हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विद लव। आज मैं पान आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो उसकी ये सारी सामग्रियाँ हैं, आप देख सकते हो। मैंने 8-10 काजू ले लिया है, 8-10 ही बादाम ले लिया है, थोड़ा सा फूड कलर लेंगे, ये 3 पान ले लिया है, 1 टीस्पून सौंफ लिया है, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून सूखा नारियल का बुरादा जो आता है मार्केट में उसको ले लिया है, 5 टेबलस्पून मैंने चीनी लिया है, और ये 1 कप मैंने मलाई और दूध मिला के लिया है। घर का मलाई है, घर के दूध से ही मलाई निकाल लिया है। घर का बना हुआ ग्लूकंद है, तो ग्लूकंद में 2 टीस्पून लूँगी। जैसे ये पान का पत्ता लिया है, इसको ऐसे आधे पे फोल्ड कर देंगे, तो इसकी जो ये डंठल है, इतना डंठल हम काट के ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये कट गया। इसी तरीके से मैं अपना तीनों पान को ये काट लूँगी। अब इसको छोटे छोटे पीस में मैं काट लेती हूँ। तो ये देखिए, पान हमने छोटे छोटे पीस में ऐसे काट लिए हैं। अभी इन सारी सामग्री को मैं भी साथ में डाल दूँगी, कम डाल देती हूँ। इसी में सूखा नारियल का जो बुरादा ये भी डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से हमारे ड्राई फ्रूट और कोकोनट का सबका ये पाउडर बन गया है। अभी मैं इसी में जो इंदौर क्रीम ली हूँ, इसको भी डाल के इसी में पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारी सामग्री पीस गई है। इसी में हम थोड़ा सा ये फूड कलर डाल देंगे, ग्रीन फूड कलर है, तो डाल के एक बार मिक्सी में फिर चला लेते हैं। तो ये देखिए, सब कुछ हमारा पीस गया है, पेस्ट बन गया है। इसी में मैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देती हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए, हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हो गया। ये पेस्ट कुछ इस तरीके से इतना गाढ़ा है, कुल्फी या आइसक्रीम जो भी आप कह सकते हो, तो इसमें मैं जमाऊंगी। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा जो ये ड्राई फ्रूट है, पिस्ता है, थोड़ा सा ऐसे हम पिस्ता डाल देंगे, थोड़ा सा। इसी में काजू हमने तोड़ लिया है, उसको डाल देंगे। ऐसे ऊपर 2-2 दाने ऐसे डाल देंगे। टूटी फ्रूटी डालना है, थोड़ा कलर में अच्छा लगेगा, तो आप इसको भी डाल सकते हो। इस तरीके से सिल्वर फॉइल ले लिया है, तो सिल्वर फॉइल से इस तरीके से इसको देखिए, तो हमने कैप लगा दिया है। मैं इसको 6-8 घंटे तक फ्रीजर में रखूँगी, या फिर आप इसको होल नाइट भी रख सकते हो फ्रीजर में। ये देखिए, मैंने होल नाइट रख दिया था फ्रीजर में। अभी हमारी आइसक्रीम, हम देखते हैं पान आइसक्रीम हमारी कैसी है। बहुत अच्छे तरीके से जम गई है, ये देखिए। तो अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। हमने एक स्पून लिया है, इसको इस तरीके से, ये देखिए, वाओ, सुपर। तो हमारी पान आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। आप लोग भी अपने घरों में बनाइए, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।